नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स उत्कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डेली बेसिस पे वोकैब और ग्रामर सेक्शन आ रहा है, तो आज थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से ग्रामर तो नहीं आ पाएगा, अगले दिन आएगा, लेकिन आज मैं वोकैब आपको पढ़ा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसे आप पिछले लेक्चर को अगर आज नहीं जा रहा है तो आप पिछले लेक्चर के वीडियोज़ को आप रिवाइज करें, बार बार देखें, क्योंकि 26 लेक्चर हो चुके हैं, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो चुका है हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट में, तो उसको आप तैयार करें। चलिए आज का हम वोकैब देखते हैं। वोकैब क्या है, वोकैब के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। प्रेज, PRAISE, प्रेज, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। प्रेज का सेकेंड फॉर्म होता है प्रेज्ड, PRAISED, प्रेज। और थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्रेज्ड, PRAISED, तो प्रेज, प्रेज्ड, प्रेज। अगला है प्रे, प्रे मतलब होता है दोस्तों प्रार्थना करना, PRAY, प्रे, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। और प्रे का सेकंड फॉर्म होता है प्रेड, PRAYED, प्रेड। और थर्ड फॉर्म होता है प्रेड, PRAYED, तो प्रे, प्रेड, प्रेड। अगला है प्रिच, प्रिच का मतलब होता है शिक्षा देना, PRECH, प्रिच, प्रिच का मतलब होता है शिक्षा देना। प्रिच का सेकंड फॉर्म होता है प्रिच्ड, PRECHED, प्रिच्ड। और थर्ड फॉर्म क्या होता है प्रिच्ड, PRECHED, तो प्रिच, प्रिच्ड, प्रिच्ड। अगला है प्रेफर, PREFER, प्रिफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना, प्रिफर का सेकंड फॉर्म होगा प्रिफर्ड, PREFERED, प्रिफर्ड। और PREFERED, प्रिफर्ड, प्रिफर का मतलब अधिक पसंद करना। जैसे दो चीज़ें हैं, कंपैरिजन है, जैसे पेन है और एक क्या है, दो पेन है, उन पेन में एक हरा है और लाल है, तो आपको हरा वाला बेहतर लगा, तो अधिक प्रिफ्रेंस किसको दिया आपने, ग्रीन वाले को, तो यहाँ पर हम प्रिफर का यूज करेंगे। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, PREVENT, प्रिवेंट का मतलब हो गया दोस्तों रोकना। प्रिवेंट का सेकंड फॉर्म होगा प्रिवेंटेड, PREVENTED, प्रिवेंटेड। और थर्ड फॉर्म भी होगा प्रिवेंटेड। अगला देखते हैं प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर का मतलब तैयार करना, प्रिपेयर का सेकंड फॉर्म होता है प्रिपेयर्ड, PREPARED, प्रिपेयर्ड। और थर्ड फॉर्म क्या होता है प्रिपेयर्ड, PREPARED, तो प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर। अगला है प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस का मतलब वचन देना, वादा करना, प्रॉमिस का सेकंड फॉर्म होता है प्रॉमिस्ड, PROMISED, प्रॉमिस्ड। और थर्ड फॉर्म क्या होगा प्रॉमिस्ड, PROMISED, तो प्रॉमिस, प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड। अगला है प्रमोट, PROMOTE, प्रमोट, प्रमोट का मतलब होता है उन्नति करना, प्रमोट का सेकंड फॉर्म होता है प्रमोटेड, PROMOTED, प्रमोटेड। और थर्ड फॉर्म होगा प्रमोटेड, PROMOTED, प्रमोट, प्रमोटेड, प्रमोटेड। अगला है प्रूफ, PROVE, प्रूफ, प्रूफ का मतलब होता है सिद्ध करना, किसी थियरी को आप प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो प्रूफ का मतलब होता है सिद्ध करना, प्रूफ का प्रूफ्ड होगा PROVED, प्रूफ्ड। और थर्ड फॉर्म क्या होता है प्रूफ्ड, PROVED। लास्ट है पब्लिश, पब्लिश का मतलब होता है दोस्तों प्रकाशित करना, PUBLISH, पब्लिश मतलब प्रकाशित करना। पब्लिश का सेकंड फॉर्म होगा पब्लिश्ड, PUBLISHED, पब्लिश्ड। और थर्ड फॉर्म क्या होगा पब्लिश्ड, तो पब्लिश, पब्लिश्ड, पब्लिश। तो इस तरीके से दोस्तों ये 10 आपको वोकैब डेली बेसिस पे आ रहे हैं, जो कि आप नोट्स बनाएं, प्रॉपर वाइज तैयार करें, डेली बेसिस पे उससे 10 से 15 मिनट का टाइम दें, उसे रिवाइज करें, क्योंकि आप भूल जाएंगे, क्योंकि हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट के बाद आपका टेंस आएगा, टेंस में इनवर्ब का यूज होगा, इसीलिए मैंने आपको पहले से ही तैयार कर रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स।